नमस्ते, इंडियन कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता। रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए उबला हुआ पास्ता, जो मैंने पहले से उबाल के रखा है। पास्ता उबालते टाइम ये ध्यान देना है कि उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और 1 चम्मच तेल ऐड करना है। तेल इसलिए ऐड करना है कि पास्ता एक दूसरे में चिपके नहीं, और पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम जब पास्ता बॉईल करेंगे तब उसको ऐसा थोड़ा सा कट करके देखेंगे। अगर वो अच्छे से कट हो गया तो समझ लो कि अपना पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है। थोड़ा सा तेल लेंगे फ्राई करने के लिए, थोड़ा सा टोमेटो सॉस लेंगे, एक टोमेटो प्यूरी लेंगे, एक टमाटर की। टमाटर ले प्यूरी बनाते टाइम जो टमाटर लेते हैं वो ध्यान देना है कि देसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देसी टमाटर ये थोड़ा खट्टा रहता है तो उससे टेस्ट थोड़ा सा खट्टा बन सकता है, इसलिए वो नहीं लेना। टेस्ट के लिए मैंने नमक लिया है, ओरिगानो लिया है 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स लिया है 1 चम्मच, पेपर पाउडर, काली मिर्च ली है मैंने 1 चम्मच, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज लिया है, थोड़ा सा लहसुन जो मैंने कटा हुआ लिया है 1 चम्मच, और थोड़ा सा लिया है अदरक। अभी हम एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। तेल ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ थोड़ा सा लेना है। और फिर अब ये गरम हो जाए फिर हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। अभी गरम हो रहा है हमारा तेल। पास्ता ये इटालियन डिश है, और इसमें हम जो फ्राई करेंगे वो ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़े से ही फ्राई करेंगे। अब कटा हुआ लहसुन, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो मैंने लंबा लंबा काट लिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तो थोड़ा सा ही फ्राई करना है। इसको अब हम थोड़ा सा ढक देंगे 1 मिनट के लिए। अब ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए ये ध्यान, टोमेटो प्यूरी ऐसे बनाना है कि एक उबलते हुए पानी में टोमेटो धो के उसको थोड़ा सा कट करके रख देना है, और अच्छे से बॉईल होने के बाद उसका छिलका निकाल कर मिक्सर में पीस लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पेपर पाउडर, आधा चम्मच पेपर पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स नहीं हुआ तो इसके जगह पे रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं, ओरिगानो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, अब ये बॉईल किया हुआ पास्ता मैं इसमें ऐड करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर उसके बाद मैं ऐड करूंगी टोमेटो सॉस। अब ये हमारा पास्ता रेडी है। पास्ता बनाने की रेसिपी ये बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है।
अब हम इसको एक सर्विस बाउल में निकाल लेंगे। और इसको चीज के साथ जो मैंने पहले से ही बारीक कस के रखा है उसके साथ गार्निश करेंगे। बन गया अपना रेड सॉस पास्ता। धन्यवाद।